गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर फोर्थ ऑफ आवर साइंस बुक क्लोथ्स एंड फाइबर्स। आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। क्लोथ्स कम इन अ होल रेंज ऑफ कलर्स एंड डिजाइंस। वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स एंड डिफरेंट सीजन्स। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फाइबर्स। Actually, how many kinds of the fibers are there in the nature and how people started to wear their clothes and how they will arrange the clothes through the nature and later on through the many kind of techniques. So we will start this. What people wore? In ancient time, people jo hai kis tarah se kapde pehante the? We will talk about this thing. Primitive people did not know how to make cloth. प्रिमिटिव पीपल जो है, पहले के जो व्यक्ति थे उनको ये पता नहीं था कि हम कैसे मतलब कि जो है क्लॉथ बनाएं। दे डिड नॉट नीड टू दे लिव्ड इन द ट्रॉपिक्स वेयर इट इज़ क्वाइट वार्म। मतलब उनको ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी क्योंकि वो ट्रॉपिक्स में रहते थे जहाँ पर कि तो वार्म क्लाइमेट होता था। पर हैप्स वैन पीपल्स मूव टू द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, जब लोग जो हैं कोल्डर पार्ट्स की तरफ यानी कि ठंडे स्थानों की तरफ बढ़े तो दे फेल्ट द नीड ऑफ द कवर देयर बॉडी। तो उनको ये महसूस हुआ कि उनकी बॉडी को उन्हें कवर करना चाहिए। अदर्स मे हैव जस्ट वॉन्टेड टू लुक नाइस, और कुछ जो है ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ हो कि हमें अच्छा दिखना चाहिए। सो दे स्टार्टेड टू कवरिंग देमसेल्फ विद द लीव्स बार्क्स और द एनिमल स्किन। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे अपनी बॉडी को मतलब कवर करना स्टार्ट किया, किससे? पेड़ों की लीव से यानी कि पेड़ की पत्तियों से, उनकी छालों से या एनिमल्स की स्किन से यानी कि पशुओं की चमड़ियों से। दे प्रिक्ड होल्स इन द एनिमल्स स्किन एंड ड्र्यू देयर स्ट्रिप्स ऑफ द लेदर थ्रू दीज होल्स टू मेक बिगर प्रिक्स दैट वुड फिट दैम। मीन्स कि वो जो है एनिमल्स की जो स्किन होती थी, इसकी स्किन के अंदर छेद निकाल करके जो है मतलब कि लेदर के जो स्ट्रिप्स हैं, लेदर के जो बड़े स्ट्रिप्स हैं उनको मतलब वहाँ पर उस होल में अटैच कर करके जो है उन्हें पहना करते थे। स्लोली दे लर्न टू ट्विन ग्रास एंड वेव्ड इट टू मैक स्कर्ट्स। धीरे धीरे उन्होंने ये सीखा कि ग्रासों से कैसे मतलब कि ना मतलब कि ग्रासों को यूज़ करके यानी कि घास कोई कैसे यूज़ करके कपड़े बनाए जा सकते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने उनसे स्कर्ट बनाना स्टार्ट किया। दे ऑल्सो ट्विंड एनिमल्स हेयर एंड वूल टू मेक प्रिमिटिव रोब्स। और धीरे धीरे वो एनिमल्स के जो हेयर्स हैं, उनके बाल है या जो वूड जो वूल है मतलब कि उसे भी धीरे धीरे प्रिमिटिव पीपल्स ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उनको भी धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट मतलब कि यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पीपल इन इंडिया एंड इजिप्ट मेड क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन। जो इंडिया के लोग और इजिप्ट के लोग थे उन्होंने कॉटन से क्लोथ्स बनाना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। द चाइनीज ऑब्टेंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड मेड क्लोथ्स फ्रॉम सिल्क। चाइनीज जो है मतलब कि चाइनीज जो है वो सिल्क ऑब्टेंड करते हैं किससे? सिल्क वर्म से, और उन्होंने सिल्क क्लोथ को बनाना स्टार्ट किया। इन कोल्डर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के ठंडे स्थानों पर पीपल कवर्ड देमसेल्फ विद रोप्स मेड ऑफ वूल। जो लोग हैं वो अपने आप को मतलब कि कवर करते थे अपनी बॉडी को रोप्स जो कि वूल से मिलकर बनी होती थी, ऊन से मिलकर बनाई हुई होती थी। ए रिवोल्यूशन इन क्लोथिंग कैम अबाउट 50,000 ईयर्स एगो व्हेन द नीडल वॉज इन्वेंटेड। लगभग आज से 50,000 वर्षों पहले जो है नीडल यानी कि सुई का आविष्कार हुआ। दिस अलाउड पीपल टू कट एंड स्टिच ए क्लोथ टू सूट देयर बॉडी। धीरे धीरे लोगों ने जो है मतलब कि नीडल से यानी कि सुई से कपड़ों को सिलना सीखा और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको बनाना सीखा। How cloth is made? क्लोथ कैसे बनता है? क्लोथ इज मेड अप ऑफ थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइबर। क्लोथ जो है लंबे पतले धागों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। बाई लॉन्ग वी मीन दैट द लेंथ ऑफ द फाइबर इज मैनी टाइम्स ग्रेटर दैन इट्स थिकनेस। मीन्स की लंबाई से हमारा मतलब है कि जो मतलब कि धागे की जो लंबाई होती है वो उसकी मोटाई से काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे हम समझ सकते हैं लॉन्ग। यू कैन सी द फाइबर्स इज अ क्लोथ मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप फाइबर्स को जो है उस क्लोथ मटेरियल को जो है मैग्नीफाई ग्लास से हम देख सकते हैं कि उसकी मोटाई कितनी होती है। व्हेनेवर वी नो वेरी वेल दैट मैग्नीफाई ग्लास इज एबल टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन से दैट मैनी काइंड ऑफ स्ट्रेन आर प्रेजेंट इन द फाइबर दैट कैन वी सी थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। उस मैग्नीफाइंग ग्लास से हम ये सब देख सकते हैं। क्लोथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स मैनली इन टू स्टेप्स। जो क्लोथ फाइबर से मिलकर बने होते हैं वो दो स्टेप्स में मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट इज स्पिनिंग एंड सेकेंड इज वेविंग।
तो दो स्ट्रक्चर्स जो होती है, दो प्रोसेसेस जो होती है, वो मतलब कि क्लोथ बनाने के लिए सबसे यूटिलाइज होती है, वो का स्पिनिंग और वेविंग। फाइबर्स आर स्मॉल इन साइज, फाइबर्स बहुत साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। दे आर ट्विस्टेड टुगेदर बाई स्पिनिंग इन टू ए लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड यार्न। मीन्स कि एक फाइबर को दूसरे फाइबर पर अरेंज कर करके, सपोज दिस इज द वन फाइबर एंड दिस इज द सेकेंड फाइबर, वी आर ट्विस्टेड दैम, यानी कि हम उन्हें जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में एक वो लॉन्ग थ्रेड बन जाता है जिसे हम यार्न कहते हैं। स्पिनिंग ऑल्सो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर बाई ट्विस्टिंग दैम टुगेदर। स्पिनिंग जो है वो फाइबर की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है, और मतलब कि धीरे धीरे मतलब कि ट्विस्ट कर करके जो है उनको टुगेदर ये तैयार स्पिनिंग प्रोसेस की जाती है। मीन्स कि स्पिनिंग प्रोसेस से हम कह सकते हैं इफ वी आर ट्विस्टिंग द फाइबर टू मेक देयर स्ट्रेंथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न इज स्पन ऑन ए लार्ज स्केल ऑन स्पिनिंग मशीन। यार्न जो है स्पन किया जाता है, मतलब कि स्पन यानी कि उसे धागे के रूप में, और यार्न को जो है धागे के रूप में और अच्छी तरह से उसे वेव किया जाता है, तो उस प्रोसेस वो प्रोसेस जो है वो स्पिनिंग मशीन के द्वारा की जाती है। इन इंडिया यार्न इज स्पन ऑन ए स्मॉल स्केल ऑन हाउस होल्ड टूल कॉल्ड चरखा। इन रूरल एरियाज यू माइट हैव सीन पीपल्स स्पेशली वुमेन मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन यूजिंग अ चरखा। मतलब कि हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो मतलब कि ये जो स्मॉल स्केल पर जो है हाउस होल्ड टूल है जिसे हम चरखा कहते हैं, इस पर स्पिनिंग का जो है काम किया जाता है। लेकिन आज भी गांवों में हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं जो हैं वो मतलब कि चरखे का यूज़ करके कॉटन के क्लोथ्स या थ्रेड्स बनाती है। यार्न कैन बी डाइड, यार्न को जो है हम डाई भी कर सकते हैं, मीन्स कि उन्हें हम रंग भी सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो। डाइड एंड अनडाइड यार्न आर वाउंड ऑन द रील्स कॉल्ड द वोविंस आर मेड इनटू क्लोथ्स बाय अ प्रोसेस नोन एज वेविंग। मीन्स कि डाइड यानी कि रंगे हुए यार्न को या बिना रंगे हुए यार्न को, मतलब कि हम जो है एक रील यानी कि एक मतलब कि एक कोई चीज़ के ऊपर लपेट करके इकट्ठा करते हैं, उस चीज़ को हम वोविन कहते हैं। और इस धागे को, इस प्रोसेस को, इस वॉविंग की प्रोसेस को, वॉविनिंग करने को हम क्या कहते हैं, वेविंग कहते हैं। थ्रेड इज वोवन इनटू क्लोथ्स ऑन अ लूम। जो थ्रेड होते हैं, धागे जो होते हैं, वो लूम के ऊपर जो है लगाए जाते हैं, वोवन किए जाते हैं। ए लाइन ऑफ थ्रेड्स इज लीड लेंथ वाइज ओवर द लूम। लूम के ऊपर जो है लंबाई पर जो है ये धागे जो हैं मतलब कि वो रखे जाते हैं, उन्हें अरेंज किया जाता है। देन अनदर थ्रेड इज प्लेस्ड क्रॉस वाइज अबोव द बिलो द लाइन ऑफ थ्रेड्स। और जो है क्रॉस वाइज अबो और बिलो, कि इस लंबाई के जो धागे हैं, लंबाई में जो धागे आए हैं उनको बाद में जो है ऐसे मतलब कि ऊपर की तरफ लेंथ वाइज और नीचे की तरफ क्रॉस वाइज, ऐसे क्रॉस वाइज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उनको क्या किया जाता है, वेव किया जाता है, उन्हें मतलब कि अरेंज किया जाता है। वेविंग इज डन मैनुअली ऑन ए हैंडलूम। मतलब कि वेविंग जनरली हम देखें हाथों से की जाती है तो उसे हैंडलूम कहते हैं। ए लूम रन ऑन द इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड द पावर लूम। और जो लूम जो है मीन्स कि ये लूम वाली जो मशीन है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी से पावर ऑपरेट होती है तो इसे हम पावर लूम कहते हैं। तो माइंडली वी कैन अंडरस्टैंड देयर आर द टू टाइप ऑफ लूम्स। फर्स्ट इज हैंडलूम दैट इज ऑपरेटेड थ्रू द हैंड, एंड सेकंड वन इज द पावर लूम दैट इज ऑपरेटेड थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। इन अ लूम द क्रॉस वाइज थ्रेड इज अटैच्ड टू द शटर। मतलब कि क्रॉस वाइज जो मतलब कि जो धागे होते हैं, जो यार्न होते हैं जिन्हें अरेंज किया जाता है, उन्हें हम क्या मतलब कि शटल के अंदर उन्हें पहले अरेंज करते हैं। दिस इज द शटल, और इस शटल के अंदर उसे अरेंज किया जाता है। और उसके बाद विच मूव्स द थ्रेड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ओवर द लेंथ वाइज थ्रेड्स। और बाद में यहाँ पर जो है बैकवर्ड यानी आगे के पीछे और लेंथ वाइज यानी कि सामने की ओर लेंथ की तरफ जो है धागों को मतलब कि अरेंज किया जाता है। द लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड रैप। जो लेंथ वाइज यार्न जो होते हैं, जो लंबाई में जो यार्न होते हैं उन्हें हम रैप कहते हैं। और जो क्रॉस वाइज यार्न होते हैं मीन्स कि जो ऊपर नीचे बिलो और अबव जो थ्रेड होते हैं उन्हें हम वेफ्ट कहते हैं। ए क्लोथ मेड फ्रॉम द हैंड स्पन यार्न इज कॉल्ड खादी क्लोथ। जो मतलब कि हाथ से बनाया हुआ जो यार्न होता है, जैसे कि जनरली जो कॉटन से मिलकर बना होता है, उसे हम खादी क्लोथ कहते हैं। डू यू नो महात्मा गांधी वोर ओनली खादी क्लोथ्स वुवेन फ्रॉम द यार्न दैट ही हैड हिमसेल्फ स्पन ऑन द चरखा। मतलब कि जो महात्मा गांधी है वो मतलब कि यार्न से अपने हाथों से खुद जो है मतलब कि खादी का क्लोथ बनाते थे। और